यूपी के देवरिया जिले के महेश देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज और महिला अस्पताल में मरीजों को इलाज सही समय से नहीं होने से महिला मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। जिले में महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड केंद्र पर महिलाओं का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। महिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड में तनाव, डॉक्टर 11 बजे अल्ट्रासाउंड केंद्र बंद करके चले जाते हैं। इलाज के लिए पहुंची महिलाएं दर दर भटक कर वापस लौटने को मजबूर हो जाती हैं। देवरिया जनपद में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से हाथी दांत बन के दिख रहा है। यहाँ पर कहने के लिए तो बाबा देवरावा महर्षि मेडिकल कॉलेज खुल गया, लेकिन यहाँ इलाज के लिए लोगों को इधर उधर काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ रहा है। हम बात करते हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल का, जहाँ का अल्ट्रासाउंड तो खोला गया हाईटेक बना करके, लेकिन यहाँ के चिकित्सक 10-5 मरीजों को देख कर 10:30 बजे ही नदारत हो जाते हैं और यहाँ आने वाले मरीज यहाँ पर इंतजार करके शाम को लौटने को विवश होते हैं। जब जिम्मेदारों से बात की जाती है मेडिकल कॉलेज की, तो वो भी कहते हैं कि हमारे पास चिकित्सक नहीं है, हम क्या करें, खुद लोग यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करें। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बातों को देख करके लगता है कि देवरिया में स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाया गया है और जो तैनात भी हुए हैं उन लोगों को इलाज देने के में रुचि नहीं दिख रही है। हम सीधा तौर से बात करते हैं यहाँ के जो कुछ चिकित्सक आए हैं और कुछ कर्मचारी हैं जो अपने मनमाने समय से आते हैं और 10 से 11 बजे तक फिर ताला लटकते दिखता है। वीडियो के माध्यम से आपको अल्ट्रासाउंड में ताला दिख रहा है कि किस तरह के यहाँ की व्यवस्था है और कैसे महिलाओं को, जो गरीब महिलाएँ दूर दूर से आती हैं 40-50 किलोमीटर से, वो कैसे लौट के अपने इलाज के बिना वापस जाती हैं। आखिर ऐसी ही व्यवस्था अगर चलती रही तो इतनी बड़ी सुविधा का लाभ कैसे जनता को मिल सकता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोगों की जो उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज बनते ही सबको इलाज मिलेगा, वह उम्मीद यहाँ पूरी होते नहीं दिख रहा है। देवरिया से